केबल का तार कौन सा है? अब भाई ये तो देखना पड़ेगा यार कौन सा है, इतनी सारे वायर्स है यहाँ पे, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से ये इतनी भीड़ की हमें चलने में भी दिक्कत हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली दो वीडियोस पोस्ट करने के बाद जॉब से रिलेटेड आज हमने डिसाइड किया है एक ब्लॉग शूट करने के लिए। ये जो ब्लॉग है वो पुरानी दिल्ली की तरफ का होने वाला है, जो कि हम अपने एक दोस्त के साथ पुरानी दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है हमें एक ट्रीट देने के लिए और उन्होंने हमारे लिए एक सरप्राइज रखा है। हमें कुछ पता नहीं है हम किस शॉप पर जाने वाले हैं, बस हमें एक लोकेशन का पता है कि हम लोग पुरानी दिल्ली जाएंगे। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे, टाइम लैप्स देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हम कुछ स्लोमो भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। और जो हमारा मेन पर्पस है आज वो है हमारी नाइट फोटोग्राफी का, तो हम कुछ नाइट शॉट्स भी रिकॉर्ड करेंगे अपने इस कैमरे से। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते हैं फाइनली हमारा आउटपुट क्या आता है। सो गाइस, हम तीन लोग यहाँ से जाने वाले हैं पुरानी दिल्ली की तरफ। तो सबसे पहले हमारे दीपक भाई जो हमें ट्रीट देने वाले हैं आज, तो आप हमें कहाँ लेके जाने वाले हैं, कुछ आइडिया बताएंगे आप? सरप्राइज। तो गाइस, इनकी तरफ से सरप्राइज है। और दूसरा नंबर पे है ऋषभ, ये भी हमारे साथ जाने वाले हैं। तो अभी हमारी 5 बजे के बाद शिफ्ट ओवर होने वाले है, इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे ब्लॉगिंग के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हम लोग अब ब्लॉगिंग के लिए बाहर निकल चुके हैं और हम अभी रोड पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइस है जिस वजह से आपको वॉइस की क्लियरिटी ज्यादा खास नहीं लगेगी। मेरे साथ ऋषभ है और देखिए मौसम एकदम बेहतरीन हो रहा है क्योंकि ये शाम का टाइम है, सनसेट का समय हो चुका है। और देखिए मेरे गाइज, हम लोग आश्रम पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा देखिए जाम लगा हुआ है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही हैं। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं मेरे फोटो के पीछे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं 99 से, और फ्रंट में भी यहाँ पे देखिए कितना लंबा जाम है। तो शायद हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे आईटीओ पे आ चुके हैं और हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है। और देखिए दीपक भाई ने हमें सस्ते में निपटाने के लिए हमें चिल्ली पोटैटो हाथ में पकड़ा दिए हैं, पर आप झुकेगा नहीं। तो गाइस, पार्टी का पहला पड़ाव हमने पूरा किया है और यहाँ पे देखिए पार्टी अभी भी इनकी जारी है। ये लोग खाने में लगे हुए हैं अभी भी, बट ये अभी ट्रेलर है, क्लाइमैक्स आपको दिल्ली 6 जाके ही पता लगेगा। अभी हम लोग दिल्ली गेट पे हैं। अगर आप कभी भी दिल्ली गेट आते हैं तो आप यहाँ के ब्रेड पकौड़े जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फेमस दुकान है ब्रिजवासी नमकीन भंडार के नाम से, और यहाँ के सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं ब्रेड पकौड़े। तो अगर आप कभी भी दिल्ली गेट की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे एक बार जरूर आइए, ट्राई करना ना भूलें। और यहाँ पे देखिए जयपुर नमकीन भंडार है, यहाँ पे आपको स्पेशल कचौड़ियाँ मिलेंगी। तो आप इन दोनों शॉप में से किसी भी शॉप पे आ सकते हैं।
अब हम दरियागंज में अंदर जा रहे हैं और यही इनका सरप्राइज था कि इन्हें धीरे धीरे देना है। गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और जो दीपक भाई ने सरप्राइज हमें डिसाइड किया था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और ये यहाँ की है पॉपुलर मशहूर बिरयानी और ये सबका फेस देख सकते हैं टेस्ट के बारे में क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे अच्छा हमको सिखा रिया है। फ्रेंड्स अब हमने खा लिया है बिरयानी, अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, आप पीछे से देख सकते हैं। और यहाँ पे वायर्स देख रहे हो आप, इतने तो हमारे घर पे अगर हमारे उधर लगे हैं तो अंडिया कश में कपड़े सुखाएंगे और कुछ नहीं हो सकता इन वायरों का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से दिल्ली छह से निकल रहे हैं और यहाँ से अब हम अगली जगह जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें थोड़ी नाइट फोटोग्राफी करनी है अपने मोबाइल से, क्योंकि हमने दिल्ली में आज से पहले नहीं की है नाइट फोटोग्राफी। तो हम एक दो जगह पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो शूट और फोटो शूट करने वाले हैं, तो व्लॉग में बने रहिए आगे। और ये देखिए ऋषभ और दीपक भाई अपनी अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए गाइस, गाइस जर्नी अभी बाकी है। तो चलिए गाइस अगली जगह पे हम आपसे मिलते हैं, तो व्लॉग में बने रहिए। तो गाइस अभी हम लोग ITO के फ्लाईओवर के ऊपर हैं और हमारे बैक साइड में आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है और हम यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी हमने की है, साथ ही साथ हम यहाँ पे वीडियो शूट भी कर रहे हैं। ये आपको वीडियो पता चलेगा। ये हमारा नाइट मोड है, इस वजह से आपको थोड़ी क्लियरिटी में थोड़ा इशू आ रहा होगा, बट हमने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है इसमें। और आप हमारे नीचे देख सकते हैं, देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे जाम रहता है, ये देखिए ट्रैफिक का आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से आप देखिए फ्रंट, हम यहाँ से फ्रंट में दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे इस टाइम कोई नहीं है, समझ रहे हो आप। और ये इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे देखिए आप नीचे की साइड यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है नाइट में भी। Oh my God! Wow! तो यहाँ से अब हम शायद इंडिया गेट की तरफ जाएंगे, देन अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि अभी हमारे पास माइक नहीं है, हम अपने फोन से ही शूट कर रहे हैं पूरी वीडियो को। अच्छा हमको सिखा रिया है।
ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हम मदरपुर बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। हम कोशिश करेंगे उस ब्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि हमने इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं कि हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए एक अच्छे ब्लॉग को शूट करने के लिए। तो गाइस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा।